Exercise 13.2, first question we have done. Let us start with question number second. It is required to make a closed cylindrical tank whose height is 1 meter and diameter of the base is 140 centimeters. How many square meters of the sheet required for the same? सबसे पहले तो जो quantity required है that is in terms of meters, तो पहले हम centimeters को meters में convert करेंगे. Divide by 100. And radius 0.7. Diameter converted into meter, then radius. Converted into a diameter converted into pele meters then to radius. Now as the tank which is to be formed that is in the closed form, closed cylindrical form, so the metal sheet required is equal to total surface area of the cylinder. This is 2 pi r h plus r. Values put kar do. 2 into 20 is 2 by 7 r h plus r. 0.1. 44 into 0.1 into 1.7. कितना आ रहा है? दिस इज 7.48 मीटर स्क्वायर. हमने निकालना है कितनी शीट चाहिए थी स्क्वायर मीटर, तो इतनी शीट हमें चाहिए होगी टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक. This much sheet is required. चलिए before starting with the questions, further questions, let us discuss the formulas of hollow cylinder. Hollow cylindrical object. Example is pipes, rubber tubes, and you can say well also, one of the example of the hollow cylinder. Well actually अगर हम उसके नीचे वाला सरफेस ना देखें अर्थ का, तब हम उसको जैसे कि ये जहां पे हमारा पेड़ नहीं लगा हुआ, पेड़ अगर बीच में से निकाल दो और उसको ऐसे हाथ में पकड़ लो, बीम चेन बन जाओ यानी ना, तब वो आपको होलो सिलेंडर लगेगा. हाँ जी, एनी हाउ वायर आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम पाइप्स, लोहे की पाइप्स होती हैं उनको देखें तो थोड़ी सी उनमें थिकनेस होती है, वो थिकनेस एक आउटर सिलेंडर जनरेट कर देती है, एक इनर सिलेंडर जनरेट कर देती है, एंड बिकॉज दे आर ओपन फ्रॉम बोथ साइड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड, दे आर रिगार्डेड एज एग्जांपल ऑफ द होलो सिलेंडर. अब अगर हम बात करें होलो सिलेंडर की शेप की, तो इट इज समवट लाइक दिस. ठीक है, एक सिलेंडर आपको बाहर की तरफ दिख रहा है जो कि बच्चियों ने साइड पे पेपर चिपका के आपके सामने इसका बाहर वाला सरफेस बना दिया. देखो कितनी स्पॉन्टेनियस है,
नहीं कुछ मिला तो पेपर लगा दिया, अच्छी बात है। और एक सिलेंडर अगर आप ध्यान से देखो तो अंदर वाली साइड पे ये जो कर्व दिख रहा है, दिस इज द इनर सिलेंडर। सो वन सिलेंडर इज आउटर सरफेस, अनदर सिलेंडर इज द इनर सरफेस। ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है बाहर सरफेस व्हाइट कलर का पेपर वाला, ये आउटर सरफेस हो गया, और ये जो अंदर आपको ब्लू कलर का सरफेस दिख रहा है, दिस इज द इनर सिलेंडर। सो अगर हम होलो सिलेंडर के बात करें हाइट और रेडियस एक्सेट्रा, लेट अस डिस्कस। होलो सिलेंडर के हम सबसे पहले बात करते हैं इसके कर्व, इसके दोनों सिलेंड्रिकल पार्ट्स की, एक सिलेंड्रिकल पार्ट बाहर है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट अंदर है। और जब भी इसको डिजाइन किया गया, सेलो टेप की जो आपके सामने डिब्बी आपको दिख रही है, इस चीज का ध्यान रखा गया कि जितनी हाइट बाहर वाले पार्ट की है, ये जो आपको कागज का दिख रहा है, उतनी ही हाइट पे ये जो ब्लू वाला अंदर सिलेंडर है वो भी उतनी ही हाइट पे है। ठीक है, ये आप इसमें थोड़ा सा छोटा लग रहा था बीच में से सिलेंडर, इसलिए मैं नहीं बता पाई, ज्यादा नहीं अच्छे से बता पाऊंगी। जितनी हाइट बाहर वाले सिलेंडर की है जो कि बाहर से दिख रहा है, उतनी ही हाइट अंदर के सिलेंडर की भी है। दैट मीन्स इन केस ऑफ होलो सिलेंडर द हाइट ऑफ द इनर एंड द आउटर सिलेंडर रिमेन द सेम। अगर हम रेडियस की बात करें, बाहर वाला जो सर्कल है जो आपको व्हाइट फॉर्म में दिख रहा है, उसकी रेडियस नेचुरली सर्कल बड़ा है तो रेडियस ज्यादा होगी, और जो अंदर वाला सर्कल है ब्लू कलर की फॉर्म में आपको दिख रहा है ये वाला, इसकी क्योंकि सर्कल छोटा है तो रेडियस भी कम होगी। ठीक है, सो आउटर सर्कल की रेडियस को मैंने सिलेंडर की रेडियस को लिया कैपिटल आर, और इनर सिलेंडर की रेडियस को लिया स्मॉल आर। आउटर सिलेंडर रेडियस इज कैपिटल आर, इनर सिलेंडर रेडियस इज स्मॉल आर। अब हम बात करें होलो सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जब अगर हमने इसको पेंट करना है, तो इसके सिर्फ कर्व्ड हिस्से को पेंट करना है, तो एक तो व्हाइट व्हाइट जो हिस्सा है बाहर से इसको पेंट किया जाएगा, एक जो अंदर से आपको अंदर वाले सिलेंडर का ब्लू सरफेस दिख रहा है उसको पेंट करना पड़ेगा। दैट मीन्स दिस विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द आउटर सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द इनर सिलेंडर। ये भी बात छोड़ो, आप कभी सारे लोग जलियांवाला बाग सबने देखा है, जलियांवाला का वाला बाग का खूनी कुआं हमने देखा है, उस खूनी कुएं के ऐसे बना हुआ है अंदर सर्कल बाहर सर्कल, वहां पे खड़े होके हम यहाँ पे हैंड रख के बीच में देखते हैं, है ना। तो एक सिलेंडर बाहर की तरफ है, एक सिलेंडर अंदर की तरफ है। तो जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो बाहर वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस अंदर वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, 2πRH, 2πh, 2πH कॉमन, अंदर आया आर प्लस आर। ठीक है, अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया। जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो आता ही आता है, यानी कि ये तो आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ ये जो ऊपर वाला सरफेस आपको दिख रहा है, ये हिस्सा, इधर से भी अपर पोर्शन से भी और डाउन पोर्शन से भी, इसको भी हमने लेना है। आपको याद होगा 7th क्लास में आप ये क्वेश्चन करते होते थे, ये एरिया कितना है? कैसे निकालते थे? एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। इसी तरह से इस होलो सिलेंडर में भी ऊपर भी एक सर्कुलर डिस्क है ये वाली, और नीचे वाले साइड पे भी सर्कुलर डिस्क है ये वाली, और इस सर्कुलर डिस्क का एरिया आउटर सिलेंडर के एरिया में से आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया क्या करके आएगा? माइनस, यानी कि प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर। अब ये जो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर है कितनी बार है? 2 times, ऊपर भी नीचे भी, तो 2 से नीचे।
टू पाई कॉमन ले लो इजिली लर्न करने के लिए, टू पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस टू पाई कॉमन आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर. इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया और टोटल कर्व सरफेस एरिया में ऊपर वाली डिस्क और नीचे वाली डिस्क ऐड हुई, दिस विल गिव यू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द होलो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट. अब अगर कोई चीज होलो ही है तो हम उसके वॉल्यूम की बात नहीं कर सकते, बिकॉज इट कांट कंटेन द लिक्विड और द सॉलिड इन इटसेल्फ. अगर इसमें हम कुछ डालेंगे तो डल ही नहीं पाएगा, नीचे से गिर जाएगा क्योंकि बेस इसका नहीं है. इसीलिए तो पाइप्स वगैरह को वाटर सप्लाई के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि एक तरफ से टैप के साथ लग गया, दूसरी तरफ से हमारे टब में लग गया. अगर एक तरफ से बंद हो, एक तरफ से टैप पे लगा दो दूसरी तरफ से बंद कर दो, तो फिर भर लेना टब कहाँ से भरना है. ठीक है, तो इस तरह से ये जो होलो सिलेंडर होते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देयर वॉल्यूम, बट वी कैन टॉक अबाउट द अनदर थिंग, लेट मी टेल यू, कि वॉल्यूम होगा बट उनका अपना नहीं. किस चीज का वॉल्यूम होगा, लेट मी टेल यू. वॉल्यूम ऑफ मटीरियल यूज टू मेक द होलो सिलेंडर. अब इसके लिए किसी के पास पेंसिल है? किसी ने नई नई पेंसिल खरीदी हो? दो पे. हाँ रहने दो जी. लिसन, जैसे कि ये पेंसिल है हमारे पास, ठीक है, एक इसमें बाहर वाला सिलेंडर जो कि ब्लू कलर का सबको दिख रहा है, एक इसमें ग्रेफाइट है अंदर, है ना, वो भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ग्राफिकल फॉर्म में, सॉरी लिड जो इसका है अंदर वो भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में. अगर हम ये देखना चाहें, नेचुरली वुड की है पेंसिल, कि इस पेंसिल को बनाने के लिए कितनी वुड लगी है, तो हम सीधा इसमें से ग्रेफाइट को निकाल के साइड में रखते, क्या बच जाएगी, वुड. सो वुड बच जाएगी हमारे पास. सो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज टू मेक द होलो सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर. That is pi capital R square H minus pi small r square H. Pi H common, capital R square minus small r. सीधा याद रखो, ऐसे याद करने की जरूरत नहीं, पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इतना कॉन्सेप्ट याद रखो, आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर. क्वेश्चन इस तरह से फॉर्म होते हैं, that you are having a wooden pencil, find the volume of the wood which has been used to make the pencil, volume of outer cylinder minus volume of inner cylinder. You are having a cylindrical pipe, जैसे इसी को अगर हम पाइप का एग्जाम्पल ले लें और ग्रेफाइट बीच में से निकला हुआ है, जो इस पेंसिल की विड्थ है, पाइप में भी हल्की सी ऐसी विड्थ होती है, और उस विड्थ को क्रिएट करने के लिए क्या यूज किया होता है, आयरन, आयन का यूज किया होता है. तो पाइप के केस में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ आयन यूज टू मेक द आयन पाइप. ठीक है, तो होलो सिलेंडर के केस में, ऐसे क्वेश्चंस में, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम, वी विल टॉक अबाउट द, अगर वॉल्यूम की बात होती है तो आप ये समझ लो कि वो उस मटेरियल के वॉल्यूम की बात हो रही है जिससे कि होलो ऑब्जेक्ट बना. Is it okay? I hope that the formulas and the concepts behind are clear to you. It's not just like ki ratta laga liya aapne formulas ko.
निकालना इसके ग्रेफाइट को बाहर, वुड मिलेगी आपको। चलिए माने भी ये लीजिए, लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर थर्ड। ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। नेचुरली पाइप है, थोड़ी सी विड्थ भी होगी जिससे कि वो होलो सिलेंडर का एग्जांपल बन जाएगी, उसका आउटर और इनर सिलेंडर हमारे पास आ जाएगा। बहुत निग्लिजिबल सी विड्थ होती है, पर होती है जरूर। बिल्कुल ही अगर पतली परत की पाइप बन जाए तो वो पाइप बेचारी खुद ही टैप में फिट ही नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, 77 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड डायामीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अब क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जो हमने किसी भी चीज के साथ हमने किसी चीज को कट किया तो उसके जिससे कट किया उसके पैरेलल जो प्लेन आता है उसको हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। क्रॉस सेक्शन जो बाहर वाला सिलेंडर होएगा ना, डायामीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन में आपको बता रही थी कि कोई भी चीज जब हम कट करते हैं तो उस प्लेन के पैरेलल जो प्लेन आता है उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे हम क्रॉस सेक्शन बोलेंगे जो अंदर वाला सिलेंडर है ना उसकी रेडियस को, क्रॉस सेक्शन उसको बोलेंगे। सो हमें दिया हुआ है स्मॉल आर, हाँ आर इज रेडियस ऑफ द इनर सर्कल क्रॉस सेक्शन डायामीटर, सॉरी रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट इनर सिलेंडर, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट आउटर सिलेंडर। आउटर सिलेंडर का हमारे पास डायामीटर है, इसको स्मॉल डी कह दो, इसको कैपिटल डी 4.4। अब हम निकालना चाहते हैं इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वी विल सी द इनर रेडियस, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई स्मॉल आर एच। एच कितना है 77, कितना आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। आउटर का निकालो कर्व सरफेस एरिया यूजिंग यूजिंग 2 पाई कैपिटल आर एच, 2 पाई कैपिटल आर एच यूज करते हुए कितना आ रहा है 1000 पॉइंट, फिजिया क्यों भी आया 0.8 कि नहीं सुन रहा मेनू। चलिए एनी हाउ अब हमने निकालना है टोटल सरफेस एरिया। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया राइट नाउ वी हैव डन, 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई ब्रैकेट स्टार्ट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, ये दोनों तो निकले पड़े हैं सीधे ही ऐड हो जाएंगे। चलो
वैसे ये मैंने कॉमन लेके आपको याद करवाया था, पर यहाँ पे वैल्यूज नहीं हुई है तो पुट कर दो। इसकी वैल्यू है आपके पास, इसकी भी हमने निकाली है, इसको यहाँ पे सॉल्व। सॉल्व इट, फाइनल आंसर को देखने के लिए, बताने के लिए बच्चे आंसर लिस्ट पीछे से देखते हुए, है ना, कितना आ रहा है 2038 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपसे कुछ पूछा? हैव आई आस्क यू एनीथिंग? शट योर माउथ। अभी अभी क्लास में बैठना और सुनना सीख लो, नहीं तो टेंथ में बहुत प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ ए रोड रोलर गिवन टू बी 84 सेंटीमीटर। डायामीटर ऑफ रोड रोलर 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ सिलेंडर के केस में जो लेंथ होती है उसी को ही हम हाइट रिगार्ड करते हैं। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्ले ग्राउंड। फाइंड द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड इन मीटर स्क्वेयर। फाइंड द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड इन मीटर स्क्वेयर। ये रोड रोलर है, ये हमारी रोड है, वी ऑल हैव सीन रोड रोलर वंस और द अदर टाइम रोलिंग ऑन द रोड एंड लेवलिंग इट। रोड रोलर जब रोड पे दौड़ता है उसको लेवल करने के लिए तो वो ऐसे ऐसे घूमता है, घूमता जाता है। कभी ऐसे देखा किसी रोड रोलर को, पहले घूमे फिर खड़ा आ जाए फिर इधर की तरफ आए? नेवर। दैट मीन्स आई मीन टू से that when road roller is leveling the road, only the curved surface area of the road roller touches the playground. इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ curved surface area का रोल होता है playground को level करने में। जो इधर circle है और जो इधर circle है, they never touches the road. इस road roller को हमने road के starting point पे रखा। ये रोड है जिसको लेवल करना है, ये रोड है जिसको हमने लेवल करना है, इसको मैं एक तरह से रोड रोलर मान रही हूं। ये चला, एक रेवोल्यूशन तब होगी जब जिसका ये जो इसका पॉइंट है ये नीचे था, घूम के जब ये वापस अपनी जगह पे नीचे नहीं आ जाता, और जब ये घूम के वापस अपनी जगह पे आएगा तब ये इस इसकी बॉडी का सारा आसपास वाला हिस्सा जो है वो कवर कर लेगा। यानी कि ये रोड रोलर जब एक चक्कर लगा के यहाँ पहुंचेगा रोड पे, तो उसने जितना डिस्टेंस कवर किया होगा दैट विल बी इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोड रोलर। Very important concept. So many examples, questions you will see in the coming, you can say 10th also.
डायमीटर, ये रोड रोलर वाले, एक चक्कर में, एक रेवोल्यूशन में, इतनी चिंता से क्यों सिर पे हाथ रखे हुए, कदम पे दिखा दो पीरियड खत्म होना, एक चक्कर में जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा दैट विल बी इक्वल टू इट्स कर्व सरफेस। हमें तो इस रोड का एरिया चाहिए, पूरी रोड को लेवल करने में उसको 500 चक्कर निकालने पड़े। जैसे 500 चक्कर खत्म हुए रोड भी खत्म हो गई, मतलब उसके लेवल करने के लिए रोड जो है वो खत्म। इसका मतलब 500 चक्कर लगाने में इसने जो एरिया कवर किया वही रोड का एरिया होगा। सीधी सी बात, टू फाइंड द एरिया ऑफ द रोड वी हैव टू फाइंड द एरिया कवर्ड बाय रोड रोलर इन 500 रेवोल्यूशंस। मैथ्स वाले हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, वो कभी भी जिंदगी में एकदम से रातों रात अमीर बनने का नहीं सोचते या हीरो बनने का नहीं सोचते, वो कहते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। ठीक है, अब जब हम बात करें, आप तो बंदी मुंह ही बंद ही रखा करो मेरी क्लास में। ठीक है, अब हाँ बिल्कुल ठीक बोला तुषार, हाँ जी, जब हम रोड रोलर की बात करते हैं तो 1 रेवोल्यूशन का जो उसका डिस्टेंस होता है, 500 रेवोल्यूशन का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें सबसे पहले 1 रेवोल्यूशन का डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, निकालना। चलिए लेट अस राइट इट। चलिए बस जी, अब मैंने इतना एक्सप्लेन किया, मैं लिखवा भी दूं, आ जाओ आप चौक ले लो, आ जाओ लिखो, राइट डाउन। डायमीटर 84, सो रेडियस 42 एंड हाइट 120, रेडियस 42 हाइट 120। बेटे बस आवाज बंद। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2πrh। 1 रेवोल्यूशन P1 दिस इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय रोड रोलर इन 1 रेवोल्यूशन। Therefore, area of the red roller, area of the road, therefore, area of the road, this is equal to distance covered in playground, covered in 500 revolutions. इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो और बाद में इसको मीटर स्क्वायर में चेंज भी कर दो।